उत्तराखंड की जल जीवन मिशन योजना एक बार फिर संकट में है। भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र विश्व ने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर वन विभाग की स्वीकृति जरूरी होती है, जिसके लिए विभाग से अनुमति हेतु बात की जा रही है। जल्द ही योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें, उत्तराखंड राज्य में वन भूमि पर काम करने की मंजूरी नहीं मिलने से जल जीवन मिशन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में 159 पेयजल योजनाओं के लिए वन भूमि पर काम की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी नहीं मिलने से काम रुका हुआ है, जिनमें से 98 गढ़वाल, 61 कुमाऊं में योजनाओं का काम रुका हुआ है। जल जीवन मिशन से 14.95 लाख घरों को पानी के कनेक्शन जोड़े जाने का मिशन है। 11.28 घरों में कनेक्शन दिए गए हैं, 3.30 लाख घरों में अभी कनेक्शन देने बाकी हैं। जल जीवन मिशन का प्रश्न है, निश्चित रूप से योजना महत्वाकांक्षी है और ऐसे सभी जगह लोगों को जल पहुंचाना, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही दूर हैं, दूरस्थ स्थान हैं, वहाँ जल पहुंचाना जल जीवन मिशन के तहत किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। जंगलात विभाग, फॉरेस्ट विभाग भी उसमें आता है और फॉरेस्ट के अंदर से ही जो है पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं और जब तक फॉरेस्ट उसमें NOC नहीं देगा तो निश्चित रूप से सभी योजनाएं बाधित भी हो जाती हैं, रुक जाती हैं।